नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुपम मिश्रा। देश दुनिया की तमाम खबरें आपको आगे दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं कौशाम्बी की खबर के साथ। यहां पर हाईवे पर एक खौफनाक हादसा सामने आया है। एक कार हादसे के बाद पलट गई। देखिए पूरी रिपोर्ट। हाईवे पर रोंगटे खड़े करने वाला हादसा। बेकाबू कार हवा में उछल कर पलटी। कौशाम्बी में एक तेज रफ्तार कार ने कोहराम मचा दिया। कार स्पीड में थी जिससे चालक का संतुलन बिगड़ा और कार जूस के ठेले से टकरा कर पलट गई। हादसा बेहद ही खौफनाक था जो सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गया। अब शुरू से ये वीडियो देखते हैं। हाईवे पर गाड़ियां दौड़ रही थी तभी एक तेज रफ्तार सफेद कार दिखी। वो लेन में दौड़ रही थी लेकिन अचानक कार के चालक का संतुलन बिगड़ गया। वो कार पर काबू नहीं रख पाया। इसके बाद जो हुआ उसे देखकर वहां पर मौजूद लोग भी सन्न रह गए। कार लेन छोड़कर तेजी से हाईवे के किनारे दौड़ने लगी। थोड़ा आगे जाकर वो एक जूस के ठेले से टकरा गई। कार ने पहले ठेले को जोर से उछाला, उसके बाद कार भी सड़क पर ही पलट गई। वो तो गनीमत रही कि कोई दूसरी गाड़ी उस वक्त नहीं गुजरी, नहीं तो हादसा बड़ा हो सकता था। कहा जा रहा है कि कार में चार लोग सवार थे। हादसे में चारों घायल हो गए। गनीमत रही कि जूस के ठेले वाला मुस्तैद था और उसने कार को अपनी तरफ आते भी देख लिया था। वो समय रहते मौके से दूर हट गया और अपनी जान बचा ली, लेकिन उसका सारा सामान नष्ट हो गया। हादसे के बाद हाईवे पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कार सवारों को बाहर निकाला गया। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन लगाया। सूचना मिलने के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। स्थानीय लोगों की मदद से कार में सवार चारों घायलों को एम्बुलेंस में अस्पताल ले जाया गया। घटना संदीपन घाट थाना क्षेत्र के काजीपुर नेशनल हाईवे की है। हादसे की वजह से काफी देर तक ट्रैफिक भी बाधित रहा। फिलहाल पुलिस हादसे की जांच पड़ताल कर रही है। कौशाम्बी से न्यूज 18 के लिए धारा सिंह की रिपोर्ट। पीलीभीत में तेंदुए का आतंक देखने को मिला। यहां जंगल में तेंदुए ने एक शख्स पर हमला कर दिया। वहीं बिजनौर में गुलदार की दहशत देखने को मिली। गुलदार ने यहां पर खेत में काम कर रहे किसान पर हमला कर दिया। देखिए रिपोर्ट। गर्मी के दिनों में जंगली जानवर जंगल छोड़कर रिहायशी इलाकों की तरफ रुख कर रहे हैं जिससे लोगों पर लगातार हमले बढ़ गए हैं। पीलीभीत में तो कई महीनों से तेंदुओं का खौफ बना हुआ है। कई हमले देखे गए हैं। एक बार फिर पीलीभीत में ही तेंदुआ हमलावार हो गया। मामला पुरनपुर कोतवाली थाना क्षेत्र के पतावोझी गांव का है जहां राम बहादुर अपने दो साथियों के साथ जंगल में लकड़ी बिनने गए थे लेकिन अचानक तेंदुए ने दबे पांव उन पर हमला कर दिया। राम बहादुर ने शोर मचाया जिसके बाद उनके दोनों साथी भी जोर जोर से चिल्लाने लगे। इस बीच तेंदुए ने राम बहादुर को छोड़ दिया और मौके से भाग खड़ा हुआ। तेंदुए के हमले में राम बहादुर बुरी तरह जख्मी हो गए। तेंदुए ने उनके सर पर हमला किया था जिससे वो लहूलुहान हो गए। इतने में कई लोग भी मौके पर पहुंच गए। तेंदुए के हमले की खबर जानकर सभी दहशत में आ गए हैं। घर वालों को भी खबर दी गई जिसके बाद राम बहादुर को अस्पताल लेकर गए। उन्हें इलाज के लिए पुरनपुर CHC में भर्ती कराया गया जहां डॉक्टर ने उपचार के बाद जिला अस्पताल में रेफर कर दिया। ये सुबह हवा चली सुबह ये लकड़ी जलाने के लिए नहीं थी, थोड़ी बोल लेने के लिए तीन आदमी गए थे, इसलिए ये गए वहाँ से आ रहे थे, ये आगे थे, एकदम सिर में अटैक कर दिया और इनको सिर में चोट है और पीछे चोट है और ज़्यादा चोट आ गई सिर में, इसलिए हम अचानक जंगल वालों को इतला भी नहीं किया, जल्दी से जल्दी यहाँ ले आए। बिजनौर में भी काफी समय से गुलदार के हमले की खबर आ रही है। वन विभाग ने कई गुलदारों को पकड़ने में भी कामयाबी पाई है लेकिन गुलदार जंगल छोड़कर
बस्ती की तरफ रुख कर रहे हैं। बिजनौर के नेटवर्क थाना क्षेत्र में गुलदार के हमले की खबर सामने आई। ढाकुला गांव का रहने वाला किसान अपने साथी के साथ खेतों की सिंचाई करने जा रहा था। किसान के मुताबिक जैसे ही वो जंगल में नहर के पास पहुंचा, तभी अचानक झाड़ी से एक गुलदार निकला। वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही गुलदार ने उस पर हमला कर दिया। गुलदार के हमले के बाद दूसरे किसान ने शोर मचाया, जिससे आसपास के लोग भी भागे भागे आए। शोर सुनकर गुलदार भी मौके से भागकर जंगल की तरफ चला गया। किसान के दोनों हाथ जख्मी हो गए। बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया। इस घटना के बाद से बिजनौर के दर्जनों गांव में दहशत बनी हुई है। ग्रामीण वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग कर रहे हैं। वन विभाग के मुताबिक गुलदार को पकड़ने के लिए जल्द पिंजरा लगाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18।